हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन होते क्या हैं। तो नाउन की डेफिनेशन जो आपने आप बताई थी आपको, वो क्या थी? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होते हैं वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको एक एक करके सभी नाउन्स के बारे में समझाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को समझिए। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा नाउन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपको क्या है, जो डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन देखिए। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कि किसी भी पर्टिकुलर, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन में डालेंगे, इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। मतलब कोई व्यक्ति विशेष जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसके नाम को, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए लिखा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो लड़का है, जो विशेष लड़का है, जो अच्छा है, उन किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राम है, राम हमारा क्या बन गया, यहाँ पे प्रॉपर नाउन बन गया। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखिए, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर किस लड़की की बात हो रही है? सीता की बात हो रही है। तो सीता क्या हो गई यहाँ पर? हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। तो किसी भी व्यक्ति, अगर यहाँ पे हम कहते हैं डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर कौन से एनिमल की बात हो रही है? डॉग की। तो डॉग हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो डेफिनेशन है, ए नाउन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट फॉर ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कि वह नाउन जो यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है दर्शाने के लिए सभी पर्सन, सभी व्यक्तियों को, प्लेसेस, स्थानों को और वस्तुओं को, जो सेम कैटेगरी की है, जो सेम क्लास, मतलब एक ही जाति के, मतलब जैसे आपने बोल दिया बॉयज, तो बॉयज क्या है? लड़के। वो सभी लड़के आ गए उसमें, सभी, पूरी लड़का जाति का बोध कराएगी। गर्ल्स है, सभी गर्ल्स आ गई उसमें। आपने बोल दिया सिटी, फ्लावर, ये सभी क्या है? पूरी जो जाति है उनकी, जैसे फ्लावर्स की पूरी जो कैटेगरी है, उन सबके बारे में आपको बताती है। तो ये हमारी आती है कॉमन नाउन में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो दिल्ली इज ए बिग सिटी, कि जो दिल्ली है वो एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर दिल्ली तो प्रॉपर नाउन हो गया, नाम है उस शहर का, लेकिन यहाँ पे जो शहर है, सिटी है, ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपने लिखा लॉयन इज एन इज ए वाइल्ड एनिमल, कि जो लॉयन है वो एक जंगली जानवर है। तो यहाँ पर जो आपका एनिमल है, ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट, अब थर्ड पार्ट, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कि हमारा वर्ड से ही पता लग रहा है, कलेक्ट करना। कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा करना, एक कलेक्शन। इसमें हम बात करेंगे एक कलेक्शन का। वो कलेक्शन किसका हो सकता है? किसी व्यक्तियों का भी हो सकता है और किसी वस्तुओं का भी हो सकता है। तो द कलेक्शन ऑफ एनी पर्सन एंड थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन है वो रिप्रेजेंट करती है कि जो किसी व्यक्तियों का कलेक्शन, किसी पर्सन का एंड थिंग्स का कलेक्शन उसको रिप्रेजेंट करेगी। इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है। वो ग्रुप लोगों का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी पेड़ वस्तुओं का हो सकता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि जो इंडियन आर्मी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत, ताकतवर होती है। तो यहाँ पर जो आर्मी वर्ड है, आर्मी क्या है? आर्मी यहाँ पर एक ग्रुप है लोगों का। जो आर्मी होती है उसमें सैनिकों का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये हमारा आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। सेम इसी तरह आपकी क्लास है, क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स का, जिसे हम क्लास कहते हैं। जैसे आप कहते हो आवर टीम विन वन द मैच, कि हमारी जो टीम है उसने मैच जीता। तो यहाँ पर जो टीम है,
टीम क्या है, एक प्लेयर्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है, खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, और खिलाड़ियों का जो ग्रुप है उसे इसके एक से ज्यादा खिलाड़ी हो गए तो उसे हम टीम को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैटेरियल नाउन, नंबर 4 पे आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में क्या है, ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर द सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। कि ये वो नाउन है जिससे किसी सब्सटेंस तत्व या मैटर पदार्थ का निर्माण होता है, वह नाउन जिससे किसी तत्व या पदार्थ का निर्माण होता है मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। हिंदी में हम इन्हें द्रववाच्य संज्ञा कहते हैं। द्रववाच्य संज्ञा जिससे किसी तत्व या पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारे मैटेरियल नाउन में आएंगे। नॉर्मली आप समझ सकते हो कि जिस चीज़ से हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, जैसे आपके पास लकड़ी है, लकड़ी का यूज हम फर्नीचर बनाने के लिए कर सकते हैं। आपके पास लोहा है, लोहे का यूज भी हम औजार वगैरह बनाने के लिए, कुछ और सामान बनाने के लिए यूज करते हैं। आपके पास दूध है, अब दूध भी क्या है, दूध से हम दूसरे, जैसे आप स्वीट्स बना सकते हो, दूध से आप दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, ये सब क्या है, उस चीज़ से आप दूसरी चीज़ का निर्माण कर रहे हो। एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ बनेगी, आपके पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक के आप देखते हो फर्नीचर आते हैं, चेयर आती है, टेबल आती है, तो जिनसे हम कोई दूसरा सामान बना सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी आपके मेटल है जिनसे हम किसी दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हो गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण, ज्वेलरी, कि जो गोल्ड का प्रयोग किया जाता है वो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पर वो सामान जिससे हम दूसरी कोई चीज बना सकते हैं आपका किस में आएगा, मेटीरियल नाउन में आएगा। तो यहाँ पर मेटीरियल नाउन क्या है आपकी, गोल्ड, जो गोल्ड है वो किस में आ गया, मेटीरियल नाउन में आ गया। तो नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसमें हम ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी फीलिंग्स को देते हैं, मतलब ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उन्हें टच कर सकते हैं, केवल उन्हें फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में कि हाँ ऐसा भी होता होगा, बस खाली उन्हें हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ए नाउन विच इज यूज, एक नाउन जिसका प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट समथिंग, उस किसी चीज को दर्शाने के लिए, विच वी कैन नाइदर सी, जिसे हम देख नहीं सकते नॉर टच, और ना ही उसे हम टच कर सकते हैं, उसे हाथ लगाकर नहीं देख सकते। जैसे कोई नॉर्मल चीज़ें होती हैं इन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उन्हें हम टच नहीं कर सकते। बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, लेकिन केवल उनके चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, हमारी जो फीलिंग्स भावनाएं हैं उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, रानी ऑफ झांसी वॉज वेरी ब्रेव, कि जो झांसी की रानी थी वो बहुत ही बहादुर थी, बहादुर। अब ये जो बहादुर वर्ड है ब्रेव, ये क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो बहादुरी को हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं कि हाँ भाई जो एक्स्ट्रा एक्शन करते हैं, ऐसे काम करते हैं, वो लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। आप कहते हो ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, तो ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ईमानदार, अब ईमानदारी को आप देख नहीं सकते ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा काम करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही ऑनेस्ट है। तो ये ऑनेस्ट भी आपका किस में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। ऐसे आप कहते हो हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ, ही इज नॉट हेल्दी, वह स्वस्थ नहीं है, तो ये हेल्दी वर्ड भी आपका क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। ये जो मेटेरियल नाउन है इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेड होती है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। अब गोल्ड है, गोल्ड क्या है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। लकड़ी है, लकड़ी को काउंट नहीं किया जा सकता। तो मेन इसमें ध्यान रखना है आपको, जो मेटेरियल नाउन है इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे टाइप थे नाउन के, जो 5 टाइप है इन्हें आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इन 5 जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से समझिए, लर्न कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।